चार दिवसीय खेल प्रतियोगिता एसएमएस स्टेडियम में चल रही है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। महेंद्र चौधरी जी, वैभव गहलोत जी, मुमताज मछली जी, धूमराम जी जैदर, महेंद्र गहलोत जी, सुदर्शन सिंह रावत, विजय पाल मेहता जी, शील दवाई जी, उर्मिला योगी जी, चित्रजी, श्रीमती उषा शर्मा जी, नरेश ठकरा जी, सचिव खेल और तमाम प्रदेश के उपस्थित हमारे युवा खिलाड़ियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। जब अशोक चांदना जी ने, कृष्ण पूजा जी ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई है और मेरा मन भी करता है कब कबड्डी प्रारंभ हो और मैं खेल देख सकूँ, मैच देख सकूँ। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही संक्षिप्त में, राजीव गांधी जी के नाम से ये जो आयोजन किया गया है, एशिया लीडी टू हुआ था दिल्ली के अंदर, तब राजीव गांधी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरा प्रबंधन किया था। आज भारत रत्न उनको मिला हुआ है, 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, युवा थे, नौजवानों के लिए समर्पित थे, 18 साल का मतदान का अधिकार जो दिया युवाओं को देश में राजीव गांधी ने दिया था। और राजीव गांधी ने जिस रूप में 21st सेंचुरी की बात की थी, लोग समझे नहीं थे उस वक्त तो, पर आज जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, ये सब उनके लिए हैं। उनके नाम से जो जज्बा पैदा हुआ है आप लोगों के अंदर, गांव गांव के अंदर, मुझे खुशी है कि मैं राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन के दरमियान में मैं गांव में भी गया हूँ, ब्लॉक स्तर पर भी गया हूँ, जिला स्तर पर मैच में तब भी हुआ गया हूँ और आज मैं स्टेट लेवल के मैच में भी आपके बीच में हाजिर हूँ। आप समझ सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है।